राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये है सुबह का टाइम, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अभी मैंने बनाया है यहाँ पर आलू लौकी की सब्जी और इधर रखे हैं मैंने चने। तो बच्चों को ना कल फाड़ू बहुत अच्छा लगा था और कह रहे थे कि मम्मी आज भी बना देना, तो मैंने यहाँ पे उनको बॉयल करने के लिए रख दिया है। बॉयल नहीं मतलब गर्म पानी में भीगते हैं ये अच्छे से, तो इधर दूध भी गर्म हो चुका है और सुबह के बज रहे हैं, ये बज रहे हैं 10:15। तो यहाँ पर ना आज थोड़ा सा लेट हो गई है और अभी हमारा नाश्ता होने वाला है। लंच भी तैयार कर दिया है मैंने इनका और हस्बैंड जी का। तो थोड़ा सा जब हस्बैंड जी होते हैं ना तो थोड़ा लेट होती है, लेकिन दिन की भी मैं तैयारी कर रही हूँ फटाफट से। अभी मेरे लिए किचन साफ़ करने के लिए रह गया है और यहाँ पर सारा काम तो मेरा हो चुका था। अभी बारी आती है पूजा साफ करने की, तो पूजा साफ की मैंने और यहाँ पर थोड़े से पूजा के कपड़े थे जो कि मैं बालकनी में धोती हूँ, ना तो बाथरूम में धोती हूँ ना किचन में धोती हूँ। बाथरूम में तो ले जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है पूजा के कपड़े। तो यहाँ पर ना अपने जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की बालकनी में मैं धोती हूँ पूजा के कपड़े, और इधर जो बाल्टी है वो भी मैं यूज करती हूँ, किचन वाली बाल्टी जो जिसमें भिगाए हैं रेड वाली, और ये पेंट की बाल्टी थी हमारी नई बाल्टी, तो ये भी बाथरूम की नहीं है, है ना। तो ऐसे तो कोई भी नहीं करता होगा। और बहुत सारे कपड़े थे, कुछ धुले हुए भी थे कुछ नहीं धुले थे, तो मैं सबको ही धो रही हूँ। और कान्हा जी के थे 8-9 जोड़ी कपड़े झगुली टाइप की, तो माला है जितनी और जो बिछौने हैं यानी कि जो चौकी में बिछते हैं उनको भी मैं धो रही हूँ, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं और ये वीडियो आपको लेट मिलेगी क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई, मेरे पास टाइम बहुत कम था, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है, तो इसलिए तो सारे मैंने धो लिए हैं। अब जिस कुर्सी पर मुझे रखने हैं ये कपड़े उसको भी मैं धो लेती हूँ अच्छे से, ये बालकनी में ही रहती है तो बढ़िया से धो लेंगे। धो धा के फिर यहाँ पर सुखाने डालूँगी मैं, ना तो मैं उधर डाल रही हूँ धूप में ना मैं बाहर डाल रही हूँ। और कुर्सी को भी अच्छे से धो लेंगे, तो आजकल गर्मी है सूख जाएंगे आराम से। तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, हैक्टिक हो रहा है आजकल का दिन, और पूजा साफ करनी है ये वो बहुत सारा, पूरे दिन भर का काम मेरा अब निपट चुका है। और अब तैयार होके सीधा जाना है बच्चों को लेने के लिए, पहले एक को लेना है फिर दूसरे को लेना है और फिर एक को ट्यूशन छोड़ना है फिर दूसरे को छोड़ना है, तो यही लगा रहता है। और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, बहुत सारे हैं छोटे 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 छोटे, और इन पर मैल वेल तो नहीं होता है लेकिन पता नहीं एक काला सा पानी आता है, तो वो धूप ऊप का होता होगा, जैसे दिए हुए जलाते हैं हम तो वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं ना अपने अंदर, तो इसलिए। और माला भी सारी जितनी है वो मैंने धो दी है। ट्रेवल बैग भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ट्रेवल बैग इसलिए रखा हुआ है कि हस्बैंड जी जाते हैं बाहर और जैसे ही वो बाहर से घर आते हैं तो मैं धोती हूँ इसको और उसके बाद रखती हूँ मैं अलमारी के अंदर, नहीं तो ट्रेवल बैग भी ना स्टेशनों में इधर उधर नीचे घिसोड़ते रहते हैं। तो अभी ये दोपहर का टाइम हो गया है, दोपहर के बजे हैं 1:30, मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ। और बड़ी वाली का स्कूल है पास में, वहाँ पर तो 2 मिनट भी नहीं लगते मुझे जाने में, लेकिन कान्हा का स्कूल है दूर, तो कान्हा बस से आता है, उसके लिए मुझे गेट पे जाना होता है सोसाइटी के बाहर। तो अभी तैयार हो रही हूँ मैं, और ये थोड़ा सा ब्लॉग ना लेट हो जाएगा क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पाई मैं, ये नवरात्रों से एक दिन पहले की वीडियो है और उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाई हुई है लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही बीत जा रहा है सुबह से शाम तक। ये हैं स्कूल से, ये हरे भरे पेड़ ना अच्छे लगते हैं। अरे यहाँ पे ना साप्ताहिक मार्केट लगता है सोम बाजार, जो कि हम सब्जी लेने आते हैं, है ना। अभी हम आ चुके हैं स्कूल से। हाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ईचिंग हो रही है मुंह पे सारा, बहुत ज़्यादा। और अप्रैल में बहुत भयानक गर्मी पड़ने लगी, भयानक तो नहीं, भयानक नहीं कह सकते। चलो जरा पानी दे दो, हैं पानी लाओ। तो अभी स्कूल से आ चुके हैं और इसके बाद कान्हा को लेने जाना है, फिर उसके बाद खाना खा के और कोचिंग जाएगी बाबू,
उसको छोड़ने जाना है, फिर आऊंगी घर, फिर काना का खाना वाना तो साथ में ही खा लेंगे, काना को फिर होमवर्क कराना है, फिर बाबू को लेने जाना है, तो कम से कम मेरे लगते हैं बहुत सारे चक्कर। अभी तो पापा छोड़ रहे हैं ना आपको, आज पापा आएंगे क्योंकि उन्हें बात करनी है बुक्स की और ड्रेस की, कोई ड्रेस की हाँ, पर चलिए अभी खाएंगे खाना, बाकी दिन मम्मी आती है। और कल से नवरात्रि शुरू है तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ मैं नवरात्रों के लिए, हर त्योहार के लिए अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। और यहाँ तो हमारा पहला नवरात्र होगा, यहाँ इस घर में हमारे मतलब हमारे घर में पहला नवरात्र है हमारे, अच्छा लग रहा है। सारे कपड़े तो मैंने धो लिए हैं कान्हा जी के, उधर बर्तन रह गए हैं, बस कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो बर्तन शाम को साफ कर दूंगी मैं अच्छे से पीताम्बरी से। नौ जोड़ी कपड़े कान्हा जी के, और मैंने डिसाइड करा कि हर दिन हम उनको अलग अलग नए नए कपड़े पहनाते रहेंगे। हाँ, नौ दिन में है, नौ दिन में हाँ। बाकी जो आसन वगैरह थे वो धोने धो दिए हैं आधे, जो वहाँ पे पूजा में, तो उनको कल धो देंगे, ये जो धुले हुए दरबार सजा देंगे। अभी मैं जब तक बड़ा मंदिर नहीं आता है ना, तब तक ऐसे ही वो करूंगी मैं, इस छोटे मंदिर से ही चलाऊंगी, छोटा सा मंदिर है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरा मन है कि वहाँ पर मैं संगमरमर का अच्छा सा मंदिर, बढ़िया मंदिर, जहाँ पर कि हम चारों के चारों पूजा कर सकें, ऐसा मंदिर मैं स्थापित करूंगी वहाँ पे। तो अभी लगेगा टाइम, दिवाली तक तो मैं पूरा रेडी कर लूंगी। यह है खाना भी, और हमने खाना खा लिया है, और अभी मैं जा रही हूँ बाबू को छोड़ने के लिए, काना को मैंने खाना दे दिया है, फटाफट से आ जाऊंगी मैं 10 मिनट में, जल्दी पहन। तो अभी ड्रेस नहीं मिली है, जो मिलनी है कोचिंग सेंटर से, ड्रेस अलग होती है ना, कूड़े के डिब्बे के सामने बैठी है, कोई बात नहीं। अब फोन अब आ देखिए, फोन ताल दो ले लो। हाँ, वो इसलिए तो अभी ड्रेस मिल जाएगी, तो ये ड्रेस पहन के जाएगी फिर, है ना, बैग भी मिल जाएगा, ड्रेस भी मिल जाएंगी, आई कार्ड भी मिल जाएगा, फिर आई कार्ड वहाँ पर पंच करना होता है कि मतलब बच्चा इतने बज के इतने मिनट पर वहाँ पहुँच गया, एंट्री कर रहा है और एग्जिट, और कब बच्चा एग्जिट कर रहा है, कब बच्चा एंट्री कर रहा है, वो कार्ड से हमें पता लग जाएगा, मतलब घर बैठे बैठे कि इतने बज के इतने मिनट पे बच्चे ने एंट्री करी है और एग्जिट करी है, तो ये बहुत अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, है ना। तो बाबू आ गई है ट्यूशन से, और आज मैं नहीं गई लेने के लिए, मैं छोड़ने जाती हूँ और छोड़ने ही जाऊंगी आज से, लेने को पापा लेंगे शाम को, वैसे आ सकती है, मतलब दो तीन लड़कियाँ और तीन चार लड़कियाँ और भी जाती हैं, और बच्चे भी जाते हैं ई रिक्शे में, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक कदम चल नहीं पाती है, और वो खुद भी नहीं है तैयार कि मम्मी नहीं, आज तक अभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि स्कूल भी उसका जो है वो हमारे सोसाइटी के पास में ही है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आज तक छोड़ा ही नहीं है बच्चे को। और ये है मेरे बाबू का ड्रेस, क्या पता अलाउड छेंचे कि नीचे, वो भी दिखे, उसकी टी शर्ट है जहाँ वो कोचिंग जाती है, इसको पहन के जाएंगे, और इतने प्यारे लगते हैं ना बच्चे, प्रोफेशनल लगते हैं, जब मैं और बच्चों को देख रही थी ना, जब तक उसको ये नहीं मिली थी, तो आज ले आए हैं। ये वाली दो टी शर्ट मिली है, और दो टी शर्ट लाए हैं हम, तो कभी ये एक चेंज करके कभी दूसरा, ये है ना, तो बढ़िया रहेगा और अच्छे लगते हैं बच्चे, बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही अच्छा कर रखा है ये कोचिंग सेंटर, जो भी होते हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर के बच्चे होते हैं, तो ये हमारे घर के ही पास में है, और बैग भी मिला है, तो बैग भी बहुत अच्छा है, बैग भी इन्हीं का है, और कुछ बुक्स मिलती हैं, वैसे तो NCERT सब जगह है, NCERT होता है, लेकिन ये उनकी अपनी है, तो अपना एग्जाम्पल से। नवरात्रे शुरू हैं, और आप लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी आपको और आपके परिवार को खुश रखें, और खूब धन वर्षा करें, खूब खुश रखें, खूब सुखी रखें, और आपके घर आंगन को महकाएं, तो माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, और हम सब की रक्षा करें माता रानी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों को अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।